ये स्वामी पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। वह स्वामी नहीं बल्कि आनंद है। जब हजारों करोड़ की कंपनी उसकी हो सकती है, फिर 100 करोड़ के चिल्लर के लिए वो ऐसा क्यों करेगा? 100 वो आनंद ही है। मैं ये अपने बेटे के लिए कर रहा हूं और वो ये सब अपने बाप के लिए कर रहा है। डैड, अब अगला कदम क्या होगा? तुम्हारे बर्थडे पार्टी की अरेंजमेंट हो गई क्या? वो छोड़िए ना डैड। तुम्हारे बर्थडे पर वो कंपनी में तुम्हें तोहफे में देने वाला था। पीपल मार्ट के सीईओ का बर्थडे है, पार्टी तो बनती है। सो तुम जाके उसकी तैयारी करो, बाकी सब मैं संभालूंगा। जाओ। कौन है ये स्वामी, कौन है बताओ? हेलो आनंद, जेपी है। स्वामी से जरा बात कर सकता हूँ? बोलो। स्वामी, मुझे हारने से ज्यादा मेरे साथ जो धोखा हुआ ना, उस बात का दुख है यार। एक आदमी दो घरों में पला बड़ा होगा, ऐसा कोई एक्सपेक्ट नहीं करता ना। तुम्हारा खेल तो कमाल का था, लेकिन अब एक खेल मुझे भी खेलना है। तुम्हारे पापा का नाम वासुदेव राव है ना? बचपन में कभी पापा से मार खाई है तुमने? छोड़ो इस बात को, कभी अपने पापा को मार खाते देखा है क्या तुमने? नहीं, नहीं देखा ना। इस बात का अगर लुत्फ उठाना चाहते हो तो लाइव एंड एक्सक्लूसिव कवरेज चालू है पुलिस स्टेशन में। अरे बेचारा, एक चोर की तरह वहां मार खा रहा है जो। हेलो स्वामी, मुझे जरा आनंद से बात करनी है। बोलो। अबे सुन, तुझे पता है दो दो बाप दो दो माए, दो परिवार का प्यार कैसा होता है, दुगना दर्द कैसा होता है, ये तुझे अब पता चलेगा। तेरे घर में एक नर्स रखी गई है, उसके हाथ में इंजेक्शन है। वो इंजेक्शन तेरे दूसरे बाप को नहीं दिया तो नर्स जिंदा नहीं बचेगी। अगर इंजेक्शन दे दिया तो तेरा बाप नहीं बचेगा। अरे जल्दी भाग, वो शहर काफी तेजी से फैल जाता है। स्वामी विवेकानंद चक्रवर्ती, कहाँ हो? चक्रवर्ती को लेकर हॉस्पिटल जा रहा है। उस रास्ते तुझे रोकने के लिए 100 लोग खड़े हैं। एक काम कर, वहां से राइट ले ले, हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। और अगर स्ट्रेट जाएगा तो 500 मीटर पर स्मशान घाट है। कितना भी घूम फिर लो, आखिर मंजिल तो वही है। सीधा जाना ही बेहतर होगा। अगर तेरा सेटलमेंट करने का मूड है तो मैं पुलिस स्टेशन में कागजात के साथ तेरा वेट कर रहा हूँ। चुपचाप कागजात पे साइन कर दे और तेरी कंपनी मेरे हवाले कर दे। तब तेरे दोनों बापों को जिंदा रखना नहीं रखना, ये हम सोच लेंगे। बेटा क्या हुआ? ठीक तो हो जाएंगे ना?
हमारे जैसे गुंडों को आपने इज्जत दी, ऐसे मौके पर भी काम ना आए तो क्या फायदा? आप जाइए सर, पापा जी को हम संभाल लेंगे। अगर हमारे खिलाफ 100 लोग खड़े हैं तो हमारे साथ हजारों लोग हैं। सर, show me a hero in you, you will see a wild villain in me. तूने मेरी फैमिली को टच किया था, तभी ऊपर वाले ने तेरी मौत का ओटीपी भेज दिया। स्वामी विवेकानंद चक्रवर्ती, योर वन टाइम पासवर्ड। बहुत दिन एंजॉय कर लिया, नाउ इट्स माय टाइम। आनंद, डोंट डू दिस, गिव मी द कीज, प्लीज गिव मी द कीज। उसे शूट करके कीज लेकर आओ। हेलो डीजीपी सर, सही समय पे आपका फोन आया। यहाँ थाने में आके कोई मुझे मार रहा है सर। मुझे बचाने के लिए कोई टीम भेजिए सर। कौन है वो? लगता है कोई स्लम डॉग है, दो कौड़ी का मिडिल क्लास आदमी है। स्लम डॉग नहीं है वो, तुम नहीं जानते कि वो पीपल मार्ट कंपनी का सीईओ है। देखो कब कौन क्या बन जाए कोई भी नहीं बता सकता।
इसीलिए तुम पैसों की नहीं इंसानों की इज्जत करना सीखो। आनंद, आनंद, मेरे बेटे के साथ ऐसा मत करो। देखो, देखो उसकी क्या हालत हो गई है। प्लीज, प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज। मैं दो माँ, दो पापा और दो परिवारों का प्यार जानता था। दो परिवारों का दर्द क्या होता है, वो तूने मुझे बताया। अगर सब कुछ डबल डबल है, तो बदला भी डबल होगा। इतना तो हक बनता है। संजय! मार दे। Help! आनंद, एक बात है जो तू नहीं जानता। मान ले अगर मैं नहीं भी रहा, फिर भी पीपल मार्ट पर एक विलन गिद्ध की तरह मंडरा रहा होगा। उसका काम तमाम। मेरा भाई विक्रम चक्रवर्ती। आखिरी ट्विस्ट तू भी नहीं जानता। मेन विलन वही है। तेरी वाली प्लानिंग भी उसी ने की थी। विक्रम मुझे मारकर सीईओ बनते ही एम्प्लॉयज की नजर में मैं विलन बन जाता और तेरे जैसे आदमी को मारकर हीरो बन जाता। तुम आनंद को कब टपकाओगे? मेरे बेटे को कब सीईओ बनाओगे? कितने दिनों से वेट कर रहा हूं मैं। उस सीईओ की जगह पर आनंद नहीं होना चाहिए, मेरा बेटा होना चाहिए। इस खेल का असली कच्चा नींबू तो तू ही है जेपी। अभी मैं ये सब तुझे क्यों बता रहा हूं पता है? टाइम पास कर रहा हूं ताकि तेरे बेटे को मार सकूं। अगर तू कहेगा तो तेरी कंपनी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। आई प्रॉमिस यू। डैड, उसे छोड़ दे प्लीज। तुम दोनों को मारने के लिए एक मिनट ही काफी है। 10 लोगों को मारना गुंडागर्दी, 10 लोगों को नौकरी देना बिजनेस। मैं बिजनेसमैन हूं जेपी, गुंडा नहीं। पापा चलिए। भैया बड़े पापा को कुछ नहीं होगा। ही विल बी फाइन। जब तक तुम हो उन्हें और कंपनी को कुछ नहीं होगा। ये देखिए सर, यहां पे सारे पेपर्स हैं ना? सारे हैं सर। ये सीईओ का रेजिग्नेशन लेटर, ये नए सीईओ के सिग्नेचर्स और पेपर्स, इसमें कंपनी पासवर्ड्स और सिक्योरिटी सीक्रेट्स हैं, इसमें है शेयर्स और चैरिटी डिटेल्स। ये सब मेरे पास थे, इसलिए तेरे अंदर का विलन जागा। तुम्हारे बड़े पापा ने जिस विक्रम को पाल पोस के बड़ा किया, वो ने वापस मिलेगा। ये वो विक्रम नहीं जो मेरे सामने है, जिसे चक्रवर्ती जी जानते हैं, वो उनसे मिलने आएगा। आनंद, पापा, जेपी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब कंपनी का सीईओ बनने के लिए मुझे लगता है विक्रम काबिल है। क्या यह सच है? आनंद क्या कह रहा है? जिसने तुम्हें पाला पोसा वो तुम्हें मना नहीं पाया, लेकिन आनंद ने तुम्हें मना लिया। आनंद इस घर का बेटा तो जरूर है, लेकिन वारिस नहीं है। मेरी जगह तुम्हें खड़ा करने के लिए तुम्हें दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में भेजकर तुमसे मास्टर्स करवाया। जब मेरी तबीयत खराब हुई तो हमने सोचा तुम्हें बुलाकर सीईओ बना दे। इतने में जेपी की प्रॉब्लम पैदा हो गई, और ऐसे वक्त पर तुम्हें सीईओ बनाना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए तुम्हारी जान बचाने के लिए ये सीईओ बनकर आगे आया। क्यों पता है? ताकि साइन करते वक्त तुम्हें इस कंपनी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिखनी चाहिए। सिंहासन पर बैठने का मौका होते हुए भी सिपाही की तरह सबसे पहले डटकर खड़ा था। ऐसा इंसान कहां मिलता है? कहते हैं कि मरने से एक पल पहले जिंदगी में क्या हासिल किया याद आता है। मेरी 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, हजारों लोगों को दी हुई नौकरियां, मेरी PhD, मेरा पद्मश्री, सब कुछ फीका है इसके सामने।
माता पिता बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन भगवान उन्हें माता पिता होने का सुनहरा अवसर देते हैं। मेरा बेटा बनने के लिए, पापा कहने के लिए, थैंक यू बेटा, थैंक यू। I lived successfully. Now I will die successfully. Papa. Sorry, भैया. भाई सॉरी नहीं कहते, गले लगते हैं। एक किलो मेथी कितने की दी? मेथी किलो में नहीं, गुच्छी में लेनी पड़ती। कैम चा मम्मी, पुदीना अदरक की शॉपिंग चल रही है। लो 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 पापा, जॉब मिल गई। शाबाश बचूड़ा। फ्रेश होकर आता हूँ। आनंद, सुब्रमण्यम जी का बड़ा बेटा इंजीनियर बन गया है, वो जॉब मांग रहा है। ओके, बुला लीजिए, वैकेंसी है। अरे वाह। हेलो। ओहो, चाय लाई हो, मीठी है ना, तुम्हारी तरह। अच्छा सुनो, तुम इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ थे तो फिर स्वामी को जॉब मिलने में इतना टाइम क्यों लग गया? रोज किसको फुर्सत थी, महीने के सिर्फ 15 दिन जा सकता था, बाकी तुम्हारे लिए। सर जी, आपकी बेटी को अच्छा परिवार मिला है, कल अगर उसकी शादी हो जाएगी उसके बाद आपका क्या होगा? सर क्या होने वाला है, प्रणवी की शादी के बाद तेरी मालकिन और मैं दोनों अकेले रहने वाले घर पर, उसके हाथों तो मरना ही, और तू मेरी बेइज्जती ना करे इसलिए तेरे को भी मारना है, बस यही काम बचे है। मुझे मारने का प्लान है क्या? आपको क्या एक ही जो कहता है क्या? एक बार मेरे को गुस्सा आ गया ना तो मैं रुकता नहीं हूँ। खराब होंगे, तूने मेरे को येड़ा समझ के रखा है क्या? ऐसा शक तो मुझे पहले से है, एक बार टेस्ट करवा ले क्या? अरे तेरे टुकड़े टुकड़े करके तुझे। अरे पैस लेकर आइए, ये टुकड़े टुकड़े कर देंगे, ऐसे बोल रहे हैं। और ससुर जी, इसे महीने का कितना देते हो? 25,000। आप महापुरुष हो जो पैसे देकर गाली खाते हो। नसीब को कौन बदल सकता है।